हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये सर्कुलर जानेंगे जो कि महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन ने दिया है। ये फ्रेंड्स आया था 16 नवंबर 2022। और फ्रेंड्स, ये सर्कुलर है इज़ अबाउट द फर्स्ट महाराष्ट्र स्टेट अंडर 23 सीनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया, डियर कलीग्स, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द फर्स्ट महाराष्ट्र स्टेट अंडर 23 एथलेटिक्स सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इज़ शेड्यूल्ड। ये कब से कब होने वाला? 7 to 8 दिसंबर होगा एट श्री तुलजा भवानी डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम नियर बस स्टैंड ओस्मानाबाद। तो फ्रेंड्स, ये चैंपियनशिप के जो टेक्निकल्स रूल्स ये सब है वो वर्ल्ड एथलेटिक कंपटीशन 2022 ने जो रिलीज़ किया उसके अपडेटेड एस ऑन 1/10/2020 ये कहते हैं टेक्निकल रूल्स है, इसके हिसाब से ये वाला इवेंट खेला जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे लिखा कोविड-19 गाइडलाइंस, वो भी फॉलो करना पड़ेगा। और चैम्पियनशिप और एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल्स हम जान ले तो, द एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स हु हैव ऑर्गेनाइज देयर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर नॉमिनेटेड बाई टेक्निकल कमिटी ऑफ MAA, बोले तो महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन। वो जिन्होंने कर लिया है डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर लिया है, ऑफिशियल ऑब्जर्वर जो कि महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन के वहाँ पे मौजूदा थे। तो फ्रेंड्स, वो जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप उसमें ऑर्गेनाइज किया है उसमें से वो 2-2 एंट्रीज एक डिस्ट्रिक्ट भेज सकती है। ये स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन हो रहा है, ये स्टेट का चैम्पियनशिप हो रहा है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, द एंट्रीज ऑफ द इवेंट्स विच आर नॉट कंडक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप विल बी डिलीटेड फ्रॉम द मास्टर लिस्ट। दो एंट्रीज जो कहते हैं कंडक्ट नहीं किया है कोई कोई इवेंट कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो कहते यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। जो ऊपर अभी महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन में या अंडर 23 हो रहा है वो नहीं कंडक्ट किया जाएगा वो वाला इवेंट, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और फ्रेंड्स, इसका देखिए अंडर 23 ईयर्स में कौन कौन एथलीट्स आते हैं। 9-12 जो बॉर्न हुए ये डेट्स के बीच, 9-12-1999 to 8-12-2002, तो वही एथलीट्स इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। नो एथलीट बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज इज़ एलिजिबल टू एंटर दिस कंपटीशन। कोई भी अगर एथलीट 20 ईयर्स के बिलो है वो इस कंपटीशन में नहीं उतर सकता है। और एज वेरिफिकेशन ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, उससे आप पढ़े लिखे होने चाहिए। और एथलीट्स हु हैव नॉट गॉन टू स्कूल, अगर जो एथलीट स्कूल नहीं गया उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन से रजिस्टर किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी विद इन 2 साल के अंदर, कहते विद इन 2 ईयर्स ऑफ बर्थ द रजिस्ट्रेशन डेट इन द सर्टिफिकेट शुड बी विद इन 2 ईयर्स के अंदर, कहते वो रजिस्ट्रेशन डेट का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत ही कहते बहुत पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट नहीं होना चाहिए, 2 साल इतना होना चाहिए। एथलीट्स हु आर ड्रॉप आउट्स उसको बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आना है ताकि वो अपना लास्ट स्कूल कब अटेंड किए थे ये बता सके। द रजिस्ट्रेशन डेट इन द सर्टिफिकेट शुड बी विद इन 2 ईयर्स ऑफ बर्थ। और देख लेते, द एंट्री शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन एंट्री यहाँ पे सबमिट किया गया है, मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे सबमिट करते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्टली सेंड बाय द एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट टू द AFI वेबसाइट फ्रॉम 20th नवंबर, ये कब से स्टार्ट हो रहा है देखिए, फ्रॉम 20th नवंबर टू 20th नवंबर यहाँ पे देखिए लिखा है 20th नवंबर टू 2 दिसंबर विथ AFID। आपको खेलने के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन इंडिया में खेलने के लिए AFI UID नंबर बहुत ही जरूरी है। विदाउट UID नंबर द एंट्री कैनॉट बी सबमिटेड ऑन द AFI पोर्टल। एंट्री सेंट बाई एनी मोड अदर देन ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये मैंने आपको कितनी बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला, आपको ऑनलाइन ही एंट्री देनी पड़ेगी, इसलिए आपको AFI UID बहुत ज़रूरी है बनाना। इन केस एंट्रीज आफ्टर द टारगेट डेट विल बी एंटरटेन्ड, अगर इन केस इन नो केस एंट्रीज आफ्टर द टारगेट डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, हाँ ये तो हो गया। और एथलीट्स हैव टू कैरी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, ये आपको 72 आवर्स पहले करा लेना पड़ेगा RT-PCR रिपोर्ट। और फ्रेंड्स, एंट्री फी देख सकते हो 500 रुपीज़ है।
एंट्री फीस 500 रुपीज़ पर इवेंट। ओ भैया जी, पर इवेंट एंड 1000 पर रिले विल हैव टू बी पेड ऑनलाइन विथ एंट्री। ये देख सकते हो क्या एंट्री नॉन रिफंडेबल है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज आर एडवाइज टू सबमिट द एंट्रीज आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डिटेल्स। 500 रुपये है और 1000 रुपये पर रिले। लिस्ट ऑफ इवेंट्स टू बी कंडक्टेड इज एनक्लोज। अभी तक बताया नहीं गया कौन कौन से इवेंट्स होंगे। ओ ये फर्स्ट महाराष्ट्र ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में बात करो। अभी तक कोई भी इवेंट पता नहीं चला कौन कौन सा होगा। मेरिट सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स विल बी अवॉर्डेड इमिजिएटली आफ्टर द इवेंट इज ओवर। पार्टिसिपेट्स सर्टिफिकेट्स विल बी इश्यूड ओनली टू दोस हु हैव इधर कंप्लीटेड द ट्रैक इवेंट्स और हैव अचीव्ड एटलीस्ट वन वैलिड ट्रायल इन द फील्ड इवेंट। तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको रेस कंप्लीट करना पड़ेगा। विदाउट अगर आप रेस नहीं कंप्लीट करोगे तो नहीं मिलेगा। और वैलिड ट्रायल ऑफ द फील्ड इवेंट, अगर अच्छा ट्रायल क्या थे दिया फील्ड इवेंट का तो आपको मिला जाएगा। द एग्जैक्ट टाइम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू AFI पोर्टल विल बी नोटिफाइड। आपको ये डायरेक्टली AFI के पोर्टल पे मिल जाएगा सर्टिफिकेट। और बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी, पार्टिसिपेशन एथलीट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन एथलीट्स विल देयर फॉर हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स इन दिस रिकार्ड। हाउएवर मेनी लॉजेस एंड होटल आर अवेलेबल नियर टू द ग्राउंड इज अ वेरी रिजनेबल रेट। ऐसा बोला गया है बहुत ही कम दाम में आपको वहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगा। और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन और द ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स विल नॉट बी हेल्ड एनी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी लॉस ऑफ लाइफ डैमेजेस इलनेस इंजरी टू इस कनेक्शन विथ पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट। यही बता रहा है कि अगर आपका कोई बीमार होते हो, लॉस ऑफ लाइफ होता है, इंजरी होता है, तो ये महाराष्ट्र एथलेटिक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। और इसका जनरल सेक्रेटरी का देखिए साइंगे यहाँ पे सतीश उचुल का। और फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र मराठी में भी लिखा है तो फ्रेंड्स आप जाके एकदम पढ़ सकते हो। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट अंडर 23 एथलेटिक चैम्पियनशिप, इसके अंदर अच्छा ये इवेंट दिया गया है। ये सब इवेंट्स होने वाले 7 to 8 दिसंबर। मुझे लगा कि अभी तक दिया नहीं गया, बट फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये हर्डल्स ये सब सबका दिया गया है कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द टुडेज इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स इसका जो ये जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, आप जाके जरूर देखिए, क्लिक करके आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका जो कैसे रजिस्टर करना है ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस टिल देन कीप वॉचिंग, रन टिल डेथ एज ऑलवेज फॉर द